इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो क्रिस्टोफर सैंबल हमने कल पढ़े थे, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिस्टोफर सैंबल्स जो है वो क्या होते हैं और नॉट ए टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आज हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट काइंड हमारे पास क्रिस्टोफर सैंबल की क्या थी, सेकेंड काइंड क्या थी। फर्स्ट काइंड आपके पास क्या थी जिसमें आई जे के आप ऐसे लिखते थे और आप इसको 1/2 और कैसे लिखते थे इसको, इस चीज को आप ऐसे लिख लेते थे कि यानी आप देखें कि आई फर्स्ट टर्म आपके पास आई के साथ आ जाएगा, यानी फर्स्ट बिल्कुल लास्ट के साथ आता है, फिर सेकंड लास्ट के साथ आता है जे के, फिर आपके पास क्या होता है ये दोनों कटे आते हैं आई जे। ठीक है, और ये जो आई जे वाली टर्म आती है इसके साथ क्या आता था, माइनस आता था। फिर आप देखते थे कि जैसे ऊपर आई के है तो नीचे जे होगा, ऊपर जे के है तो नीचे आई होगा, आई जे है तो नीचे के हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखते थे सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल किसके इक्वल होता था, सबस्क्रिप्ट में आई जे और ऊपर आपके पास डी, यानी ऊपर पास जो भी इंडेसेस हो। अब जैसे ये इंडेसेस है ना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी ब्रैकेट में पहले आई जे आ जाएगा जो नीचे है, और जो ऊपर है ऊपर के लिए हम क्या करते हैं जी लिखते हैं, और जी में एक और सिंबल भी आता है जैसे केडी, तो यहाँ ये ऊपर वाला इधर आ जाता है जी के ऊपर, और जी में जो सेकेंड सिंबल आता है वो आपके पास इधर आ जाता है थर्ड वन। ठीक है, तो इसको याद रखने का ये तरीका है, ये आपके पास फर्स्ट काइंड थी क्रिस्टोफर सैंबल की, ये आपके पास सेकंड काइंड थी क्रिस्टोफर सैंबल की। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है कि क्रिस्टोफर सैंबल जो है ये कोई टेंसर क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखें, सिंस जी आई जे इज ए सेकेंड रैंक टेंसर सो इट विल सेटिस्फाई द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है कि सेकेंड रैंक टेंसर है जी आई जे, ये हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर था हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए इसकी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म अगर मैं लिखूं तो क्या होगी, जी आई जे आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे बार है, इसको कैसे लिखेंगे, जब भी आपके पास टेंसर बार वाला होता थे और आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म में हो इंडिसेस यानी नीचे हो, तो आप डिनोमिनेटर में लिखते थे, यानी कर्ली एक्स आई और कर्ली एक्स जे आपने नीचे लिख लिए, इनके साथ क्या लगे हुए बार लगे हुए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि एक आपको जैसे दूसरी मैट्रिक्स हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते थे, क्योंकि हम ये बार सेमेस्टर में आए हुए हैं ना, ऐसे उसमें आए हुए सिस्टम में आए हुए, तो हमने क्या करना है विदाउट बार जी एक्सपोज करते थे, उसके इंडेसेस थोड़े डिफरेंट चूज करते थे, वो हमने ए बी चूज कर लिए। ठीक है, तो वो ए बी अब क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आ गए तो ए बी ऊपर आ जाएंगे, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। ठीक हो गया, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इसको प्रूव करने के लिए कि ये क्रिस्टोफर सैंबल टेंसर नहीं है, इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो और प्राइम के लिहाज से। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिया ये कर्ली जी आई जे प्राइम बाई कर्ली एक्स के प्राइम आ गया। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन सारी टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो आप देखिए लेंगे कैसे, जैसे प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा, जैसे पहले लेट्स सपोज आप इसका लेंगे तो ये दो आपके पास साथ कांस्टेंट आएंगी, फिर आप क्या करेंगे इस टर्म का लेंगे तो ये दो आपके पास कांस्टेंट आ रही होंगी, फिर थर्ड में आप इसका लेंगे तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट आ रही होंगी। ठीक हो गया, जैसे आप फर्स्ट टर्म का देखें, अब इस टर्म का अपना लिया डेरिवेटिव, ठीक है, और आपके पास ये सारा टर्म बिल्कुल ऐसे के ऐसे कांस्टेंट आ गई, ये आ गई नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या किया, इसमें अब आप देखें मैंने ये लिया कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि कर्ली जी ए बी है, ठीक है, इस और इस साइड पे मैंने कर्ली एक्स के से लिया था, तो के कैसे आएगा बीच में, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आ गया, ये दो टर्म तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रही, ये आपके पास ये दो टर्म आ गई। ठीक है, बाकी आपके पास चेंजिंग इसमें क्या आई, ये टर्म जो थी इसको हमने किया जी ए बी कर्ली एक्स सी, और यहाँ पे कर्ली एक्स सी आप देखें ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ऊपर है न्यूमिरेटर में, और यहाँ पे कर्ली एक्स के, क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स के ले रहे थे। ठीक है, तो ये आप टर्म बीच में से आपने खुद इंट्रोड्यूस कराई है। फिर इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, तो अब मैं क्या करूंगी, प्लस होगा, प्लस के साथ आप इस टर्म को कॉन्स्टेंट ही रहना है, इसमें चेंजिंग नहीं लानी, अगलों में चेंजिंग लानी है। ठीक है, और उसमें भी कैसे लानी है, ये टर्म भी कॉन्स्टेंट रहेगी, इस पे सिर्फ हम अप्लाई करेंगे। आप देखें इस ये ऑलरेडी कर्ली एक्स ये था, कर्ली एक्स आई यानी पहले ही डेरिवेटिव की फॉर्म थी, अब इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर हो गया, कर्ली स्क्वायर एक्स ए डिवाइडेड बाई कर्ली एक्स आई और प्राइम और कर्ली एक्स के प्राइम आ जाएगा, ये कर्ली एक्स बी कर्ली एक्स जे प्राइम आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट का ये किया, नेक्स्ट में आपके पास जीए भी आगे टर्म, जीए भी टर्म के अलावा आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट इज। जैसे यहाँ पे मैंने लिख ली, सिर्फ इसका डेरिवेटिव दोबारा आना है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव यानी आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इसका बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने ले लिया। अब आप देखें कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करनी है, साइक्लिक परम्यूटेशन करनी है। साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे होगी, जैसे मैंने आपको 1, 2, 3 का बताया था ना कि 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो साइक्लिक परम्यूटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि आई, सबसे पहले हम आई को जे से रिप्लेस कर देंगे, जे को के से और के को आई से। ठीक है, सर सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे ए को बी से, बी बी को सी से और सी सी को ए से। तो हम इनको रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। तो इसके लिए देखें, अब नेक्स्ट में ये देखें, ये हमारे पास था फॉर्म, बल्कि इसको थोड़ा पास ही रखते हैं ताकि नजर भी आता रहे। साइक्लिक परम्यूटेशन कर रहे हैं हम इसमें। अब आप देखें कि आपके पास जहाँ पे हम आई जे था ना, या जहाँ पे आई को जे से रिप्लेस कर देना है, तो देखें आई की जगह क्या हो गया, जे हो गया। यहाँ पे आई की जगह जे, और जे को के से, तो यहाँ पे जे किसको रिप्लेस कर दिया हमने, के से आ गया, के आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि नीचे के था, तो मैंने कहा के किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई से। के किससे रिप्लेस हो गया, आई से। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में। फिर आप देखें कि ये आपके पास ए भी था, ए को आपने किसे कर दिया, बी से। बी को किसे कर दिया, सी से, तो बी सी आ जाएगा। नीचे सी था, सी को किसे कर देना है, ए से, ये आ गया। फिर आप देखेंगे कर्ली एक्स ए है, ए को बी से कर देंगे, आगे कर्ली एक्स बी है इसको सी से कर देंगे, कर्ली एक्स सी है इसको ए से कर देंगे। नीचे भी इनके चेंज हो जाएंगे, जो आई था उसको जे कर दिया, जो जे था उसको के, और जो के था उसको आई। ठीक हो गया, फिर आपके पास ए भी ये आ गया, और इसमें आप ये तो आपने एज इट इज ऐसे लिख दी, इसमें भी आपने चेंजिंग कर दी। ठीक है, इसमें भी आपने चेंजिंग कर देनी है साइक्लिक परम्यूटेशन में। अगेन इन दोनों टर्म्स में करनी, अगेन आपने साइक्लिक परम्यूटेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपने दो फॉर्म एक्चुअली बनानी है। आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास ये आ गई जो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और इसी तरह की आपने दो इक्वेशन मजीद लेनी है। तो दो इक्वेशन मजीद के लिए क्या करेंगे, एक दफा साइक्लिक परम्यूटेशन करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगी, नेक्स्ट करेंगे तो के आई आ गई। अब यहाँ से देखें, आई जे आई है, जे के आई है, और ये क्या होगी, के आई आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी फॉर्म आ गई, यानी इक्वेशन 1, 2, 3 आ गई। ये साइक्लिक परम्यूटेशन थी ना, अगेन आपने इसको साइक्लिक परम्यूटेशन की, यानी अगेन वैसे ही आपने चेंजिंग करनी, तो आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि इनको ऐड करना है, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, ये जो 1 वाली है ये इनमें से माइनस कर देंगे। ये कैसे होगा, ये देखें, अब आप इनको मैंने यूं कर दिया, ये फॉर्म आ गया, ये दोनों ऐड की और फिर इसमें से माइनस, जो आपके पास फर्स्ट काइंड बन रही थी ना, ये वो बन रही है टर्म। तो उसमें आप देखेंगे जब इनको ऐड करेंगे क्या होगा, आपने सारी टर्म्स लिख लेनी है, सारी टर्म्स जब आप इकट्ठी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जिन पे ऊपर मैंने ये रेड कलर के निशान लगाए हुए, ये एक जैसी टर्म बन रही होंगी, और जैसे ये इसके साथ सेम बन रही है, ये जो है इसके साथ सेम बन रही है, तो ये आपस में कट रही होंगी। ये 1, 2, 3 टर्म्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म्स 4, ये वाली 1, 2, 3, 4, ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये एक जैसी टर्म है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, इसलिए एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास ये टर्म बचेगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, आप देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म बचेगी ना, वो सिर्फ ये टर्म बचेगी, और ये मैंने क्या किया कि ये मैंने कॉमन निकाल लिया इन सारी टर्म में से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास बी सी बाई एक्स ए है ना, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, फिर इसके बाद सी ए बाई एक्स बी है, तो इस सब में आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स कॉन्स्टेंट है, ये सब में ये टर्म आ रही है, ये टर्म्स कॉन्स्टेंट है, तो इनको मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, और ये आपके पास ब्रैकेट में अंदर ये टर्म बन गई। फिर प्लस जी ए बी, और ये अपने जो टर्म्स बची वो आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अब आप अगेन आपने इंटरचेंज करना है ए से बी, यानी ए ए टू बी। अब आप देखें ए टू बी कैसे चेंज करेंगे, इनको आपने चेंज कर देना है, नो इंटरचेंज, ए टू बी आपने कर देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये देखें एक्स बी है ना, और ये आपके पास एक्स ए है, यहाँ इसके नीचे क्या आ रहा है, आई जे, और इसके नीचे आ रहा है आई जे। ठीक है, तो इधर अगर आप इंटरचेंज करेंगे, आप देखेंगे ये दोनों टर्म्स सेम बन जाएंगी, इंटरचेंज करने पे ये दोनों टर्म सेम बन जाएंगी, इसलिए इनमें ऐड करके हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2ab करके, और बाकी दोनों टर्म सेम हो गई हैं, तो आप उनको ये कर देंगे, और बाकी ये टर्म आपके पास ऐसे ही बच जाएगी। अब इसके साथ आपने क्या करना है, अब जो आपके पास ओरिजिनल थी, जहाँ पे ऐड किया था, ये इस सारे टर्म के साथ मैं 1/2 लिखूंगी। मैंने क्या लिख लिया, 1/2, तो इस तरफ भी मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये टर्म के साथ वन, इस टर्म के साथ 1/2 रहेगा, और इस टर्म के साथ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बच जाएगी। ठीक हो गया, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये टर्म कुछ यूं बन रही है, ये टर्म कुछ यूं बन रही है,
और हाँ यू बन गई है। अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये टर्म कैसे आती है, ये टर्म आप यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस नहीं है माइनस है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये आपके पास आई जे के इक्वल होती है, ठीक है। ये टर्म तो आपको पता चल रहा है कि ये वही फार्मूला है जो शुरू में मैंने आपको बताया था। अगर बिल्कुल शुरू पे आप देखें, ये फार्मूला जो बताया था, ये देखें आई जे और के, तो देखें ये अगर इस तरह के फॉर्म हो तो आपके पास ये बन जाता है फार्मूला। तो अभी भी हमने क्या किया, यही फार्मूला लिख लिया हमने, लिख लिया इसकी जगह ये फार्मूला, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 भी आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये भी सेम वही फार्मूला बन रहा है, इसमें यहाँ पे माइनस साइन लिखना है और यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 लिखने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा और इससे ये फार्मूला बन जाएगा, ये भी वैसा ही है। देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बी को एंड वाले के साथ, बी वाले को सी के साथ, फिर मैंने कहा था कि ए को सी के साथ, फिर देखिए सी ए आ गया, फिर उसके बाद एंड पे आपने ए भी लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ए भी आ गया और माइनस के साथ आ गई, तो ये एग्जैक्टली जो आपके पास क्रिस्टोफर सैंपल की फॉर्म बन रही थी वही बन रही है, वो बन गई फॉर्म। साथ आपके पास ये तीनों आ रही है चीजें मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही रहेंगी, प्लस आपके पास जी ए बी और ये एक टर्म बच जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है, जो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 से, क्रिस्टोफर सिंबल इज नॉट ए टेंसर क्वांटिटी फॉर सेकंड काइंड एज प्लस टर्म आल्सो अपीयर्स हियर व्हिच इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये प्लस में कुछ और टर्म भी आ रही है, ठीक है। क्रिस्टोफर सिंबल टेंसर तब होता है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करी होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा ये टर्म भी आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो एक टेंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने ये प्रूव किया, और ये हमने अभी फर्स्ट काइंड देखे हम चले। अब हम नेक्स्ट सेकंड काइंड के लिए चलते हैं। तो सेकंड काइंड के लिए पहले अगेन मैं आपको सेकंड काइंड रिकॉल करवा देती हूँ कि आपके पास सेकंड काइंड होती क्या है। सेकंड काइंड आपके पास क्या है, क्रिस्टोफर सैंपल है आपके पास आई जे और डी है, ठीक है, आई जे और डी है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जी के डी और यहाँ पे आई जे और के आर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टोफर सेकंड काइंड बन रही है, यानी आपके पास आई जे होता है, हम आई जे इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे डी होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले टेंसर इंट्रोड्यूस कराते हैं के डी, और उसमें जो इस इंडेक्स के अलावा का इंडेक्स होता है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है के, ठीक है। ये आपके पास क्रिस्टोफर सैंपल है जिसके इंडेक्सेस आई जे और डी है, आई जे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, डी जो होता है वो हम क्या करते हैं टेंसर इंट्रोड्यूस कराते हैं के डी, और अब वो क्या होता है के यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब आप देखिए कि ये आपके पास है, अब यहाँ पे जी प्राइम के डी आपके पास क्या हो जाएगा, जी पे पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और कर लिया एक्स पर कर लिया एक्स, ये आप लिख लेंगे। इसको कैसे लिखना है, इसको ट्रांसफॉर्म किया मैंने, जी के डी एक मेरे पास जो है वो टेंसर है, तो उसको अगर मैंने ट्रांसफॉर्म करना है अन प्राइम से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे करेंगे, के डी है आपके पास, ये क्या है ऊपर है, यानी कॉन्ट्रावेरियंट है और प्राइम सिस्टम में है, तो अब के डी जब कॉन्ट्रावेरियंट होगा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, वो आपके पास ऐसे ऊपर आएगा, यानी न्यूमिरेटर में आता है, यहाँ पे के आ गया डी आ गया, और विथ प्राइम क्योंकि ये प्राइम था तो विथ प्राइम आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने दूसरा भी जी ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराया जैसे ये था, लेकिन अनप्राइम में, तो उसके इंडेक्सेस पी क्यू होंगे, उसके इंडेक्सेस भी ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये इधर आ जाएंगे, लेकिन वो होंगे अब क्या नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे के और डी आ चुके हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब आपने इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5/4, 5 इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 4 आपके पास, यानी ये जो इक्वेशन आई हुई है इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये साइड आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपके पास इस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, तो ये वाली टर्म आपके पास मल्टीप्लाई होगी बी ए सी, और फिर आप देखेंगे कि आपके पास कर्ली एक्स एक बाई कर्ली एक्स आई प्राइम था, कर्ली एक्स बी बाई कर्ली एक्स जे प्राइम, कर्ली एक्स सी बाई कर्ली एक्स के प्राइम था, और साथ साथ ये दो टर्म आ गई, ये देखें के और डी और पी और क्यू, ये टर्म आ गई, ठीक हो गया। फिर आपने देखा प्लस, तो प्लस आपके पास क्या है, प्लस आप देखें यहाँ पे ये वाली एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसको कैसे लिखा जी ए बी, और ये अपने टर्म लिख ली जी ए बी, ये सारी टर्म आ गई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, जी पी क्यू कर्ली एक्स के प्राइम कर्ली एक्स डी प्राइम बाई कर्ली एक्स पी और कर्ली एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब आप देखिए कि आप अगर रिकॉल करें वही जो आपको मैंने सेकंड काइंड बताई थी, उसमें क्या था आई जे डी प्राइम क्या हो जाएगा, जी प्राइम के डी आई जे और के, और ये इसके ऊपर हम बार लगा देंगे ताकि प्राइम फॉर्म में हमें पता चलता रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी के डी आई जे के प्राइम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके क्रिस्टोफर सिंबल के, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप लिख लेंगे क्रिस्टोफर सिंबल आई जे डी प्राइम, ठीक हो गया। और इधर से आपके पास क्या चीजें कट रही होंगी, इधर से आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स प्राइम और एक्स प्राइम एक जैसा है, ये कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक
जो है वो ये कट जाएगा, ठीक है, कुछ इसमें से चीजें कट रही होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, बचेगा क्या, जी पी क्यू बी ए सी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी सी, देखिए ए बी और सी आ गया, और इसके बाद आई जे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यू। अच्छा इसमें आप एक चीज देखिएगा कि जो आपके पास क्यू की टर्म है अब विदाउट प्राइम रह गया, यानी सी बाई कर्ली एक्स भी विदाउट प्राइम प्राइम रह गया, क्योंकि के की टर्म यहाँ पे माइनस हो गई, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 5, 5 के बजाय कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी, लेकिन 4 में भी ये वाली टर्म विदाउट प्राइम दोनों रह गई हैं। इसी तरह आप इसमें करेंगे तो इसमें भी एक विदाउट प्राइम टर्म रह जाएगी, और आपको पता है कि जो विदाउट प्राइम टर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम, क्रॉनिकर डेल्टा, उसे हम क्रॉनिकर डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी ऊपर और पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म एज इट इज इसके साथ आ गई, ये देखें ये इसके साथ बिल्कुल वैसी की वैसी टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आप करें कि सी इक्वल्स टू पी, अगर सी पी के इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे ये दोनों है, तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने इधर 1 लिख लिया, बाकी सेम वैसी वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर आप देखेंगे प्लस आपके पास जो है, यहाँ पे आपने कहा बी इक्वल्स टू पी, अगर बी को पी के इक्वल कर देंगे, यानी ये जो बी है ये आप पी के इक्वल कर देंगे, ठीक है, बी को मैंने पी के इक्वल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए पी और पी क्यू हो जाएगा, यानी ये आपके पास दो इंडेक्सेस सेम हो गई। जब ऐसे आपके पास कभी भी कॉन्ट्रा वेरियंट और कोवेरियंट हो तो उसे हम क्रॉनिकल डेल्टा में लिख सकते हैं, अब क्यू बाय ए बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, क्यू बाय ए, और ये टर्म आ गई आपके पास। अब इसको आप मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें देख के भी पता चल रहा है, यहाँ से हम अगर मजीद सॉल्व ना भी करें तभी हमें पता चल रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को होल्ड नहीं कर रही, तो जैसे हमें पता चल रहा है कि क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो आपके पास क्या है, टेंसर नहीं है, ठीक है। तो कभी आपको टेंसर नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अच्छा इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देख